सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो ऑलमोस्ट 4 to 5 months हो चुके हैं कि मैंने अभी चैनल अपने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ, बट नहीं बना पाया किसी रीज़न की वजह से। अब सब कुछ हो गया है तो अभी हम फ्री हो गए हैं और अब बैक टू बैक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और हमारे पास टॉपिक भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो पहला तो आप टॉपिक पीछे ही देख लीजिए, एक हमारे जस्ट ये कुछ केज में छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं नन्हे मुन्ने, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी जो डेजी है, ये डेजी क्या हो रहा है, डेजी ने पप्स दे के रखे हैं तो उसके पपीज़ हैं और जस्ट उसके साइड में थोड़े बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं, जर्मन शेफर्ड के पपीज़, ठीक है। ये हमारी रॉक्सी है, इसे भी दिखाता हूँ। ये देखिए रॉक्सी, वो सो रही है अभी, बच्चे भी सारे फीडिंग उसने करा दिए हैं। तो ये छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं और इनकी अपडेट अब रेगुलर मैं आपको देता रहूँगा। अभी तो फ़िलहाल छोटे हैं काफ़ी, अभी आँख भी इनकी नहीं खुली है। जो डेजी के पप्स, जो हमारे पग हैं, पग अराउंड 4 डेज़ के हैं और जो रॉक्सी के पपीज़ हैं जर्मन शेफर्ड यानी, वो हमारे 9 डेज़ के हैं। तो चलिए आपको एक बार मैं उनसे इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ पास से। सो दोस्तों, यहाँ पे डेजी अभी बच्चों को फीड करा करके सो रही है और चलिए आपको उसके पपीज़ दिखाता हूँ मैं अंदर ले चल के। तो ये देखिए छोटे छोटे पपीज़ हैं डेजी के। यहाँ पे मैंने एक थर्मामीटर भी लगा के रखा हुआ है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, 26, 27, 28 इतना मैं मेंटेन करके रखा हुआ हूँ। और क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चावल का, गांव में पोरा बोलते हैं उसको, पोरा या फिर पियरा जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये देख रखा। और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब भी है तो जिससे यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर बना रहता है, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं आराम से। और अगर फिर भी नहीं ठंड लगती तो जैसे लोग आपस में चिपक के सो जाते हैं। अभी तो डेजी बाहर है बट कुछ टाइम बाद ही अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए केज हर तरफ से ढका हुआ है, बस सामने से मैंने इसका खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे बगल में ही रॉक्सी के पपीज़ हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रॉक्सी है और इसके पपीज़ है। देखिए यहाँ पे ये कैसे सो रहा है ऊपर, सही है। रॉक्सी तो खुद ही एक स्वेटर है। और बाकी रूम का, ओवरऑल रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक ब्लोअर लगा हुआ है। तो ये है एक चीज़ दोस्तों, ध्यान ये रखिएगा कि हीटर तो लगाते हैं ठीक है, बट एक चीज़ को और ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमिडिटी भी रूम में बने रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जो पपीज़ है उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो अगर आप हीटर या फिर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो एक बकेट में पानी भर के आप रूम में रख सकते हैं, तो इससे क्या रहेगा कि ह्यूमिडिटी भी जो है रूम में बनी रहेगी। ये रॉक्सी हमारी। और ये देखिए डेजी वापस अपने पपीज़ के पास, अपने बच्चों के पास चली गई है। ये देखिए क्या, चलिए एक को मैं यहाँ के पास रख देता हूँ। मेरे को पता चल जाता है जब डेजी आती है तो सब मूवमेंट हरकतों में आ जाते हैं। अभी इनका फीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारी रॉक्सी है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो, एक छोटी सी अपडेट वीडियो में बनाना चाह रहा था कि सबको पता चल जाए अभी पपीज़ अवेलेबल है हमारे पास। और इनकी धीरे धीरे करके अपडेट मैं देता रहूँगा। इसको देखिए कैसे सो रहा है, इसको गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये देखिए शैतान को। तो अभी जो डेजी के पपीज़ हैं इनकी जो एज है ये 4 दिन की है, 4 डेज इनकी एज हुई है। और जो रॉक्सी के पपीज़ हैं इनकी जो एज है ये भी 8 डेज़ के हो चुके हैं। जस्ट ये देखिए 8 डेज़ में ऐसी ग्रोथ है, ये 8 दिन के बच्चे हैं अभी, अभी आँखें नहीं खुली हैं। 12-15 दिन मतलब जब 12 to 14-15 डेज़ में इनकी आईज़ ओपन होने लगी। रॉक्सी के भी बाल बहुत ज़्यादा शेड हो गए हैं बट फिर भी अभी हैं काफ़ी बाल। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, एक छोटा सा अपडेट देना चाह रहा था आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप रेगुलर अपडेट देखना चाह रहे हैं बच्चों की और सारे पेट्स ही मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर